नमस्कार दोस्तों, एक्वा फिल्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपको पाउच मशीन की शॉर्ट में पूरी जानकारी देने के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि हमको इसके बारे में डिटेल में समझाइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बना के अपलोड कर दूँ जिसमें कि कस्टमर मेरे वीडियो देखें और चीज़ों को देख करके समझें, क्योंकि मैं कॉल पर बताऊँगा तो वो आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसे देख करके आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। पहले तो आप ये समझ लें, एक पाउच मशीन लगाने के लिए 1000 लीटर का आरओ प्लांट सफिशियंट होता है। यहाँ पे दो पाउच मशीन है इसलिए 2000 लीटर का आरओ प्लांट लगाया गया है, ठीक है। अब मैं आपको पहले इसके पूरे फंक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पावर की कैपेसिटी कितनी आपको चाहिए होगी वो बता दूंगा। पहले तो मैं आपको इसके फंक्शन बता देता हूँ, उसके बाद पावर कंजप्शन बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्शन बता दूंगा कितना होता है, उसके बाद में कितना एरिया लगेगा, लास्ट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट बताऊंगा और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी बताऊंगा। तो लाइन पर बने रहें। सबसे पहले आप ये देख लें, एक्वा फिल्टर कंपनी की पाउच मशीन है, इनको भी आप देख लें, ये भी एक्वा फिल्टर की, ठीक। और ये एक्वा फिल्टर कंपनी का ही आरओ प्लांट है। इतना आपने देख लिया, दोनों मशीनें मिला करके 700 बोरी मेरी बना देती हैं। अब आपको मैं बताऊं, 700 बोरी आपकी जो बिकेगी वो बिकेगी 50 रुपये के हिसाब से, और 50 रुपये के हिसाब से अगर आप 700 बोरी बेचते हैं तो आपका माल हो गया 35,000 रुपये का राउंड फिगर। और अगर आप 700 बोरी बेच देते हैं और आप प्रॉफिट की बात करें तो इसमें राउंड फिगर में मैं बता दूं 50% का मार्जिन होता है, 50 नहीं आप 40% मान के चलें। तो अगर आप दो मशीन लगा रहे हैं और 700 बोरी रोज़, अगर आप 500 बोरी भी अगर आप मैक्स टू मैक्स सप्लाई कर देते हैं, आप सोच रहे हैं कि 700 कौन खरीदेगा, 500 बोरी आपके 5 डिस्ट्रीब्यूटर आराम से ले लेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक गाड़ी लेता है, एक गाड़ी में आपकी 100 बोरियाँ आती हैं। तो आपको मैं बताऊँ, 500 बोरी अगर आप सप्लाई कर देते हैं, आप 20 रुपये में मार्जिन रख लें तो आपका ये मान लीजिए कि 10,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट है। अब मैं इसके भी आधे पे आ जाऊँ, आप 500 नहीं 250 बोरी अगर सप्लाई कर लेते हैं, जो कि एक मशीन के 6 घंटे का प्रोडक्शन है, अगर आप 250 बोरी भी अगर आप सप्लाई कर देते हैं तो ये मान लीजिए 20 रुपए के हिसाब से आपका 5,000 रुपये आराम से प्रॉफिट निकल आया। एक बोरी की कॉस्टिंग की मैं बात करूँ तो 20 से 22 रुपये आती है, मैंने राउंड फिगर में 25 रुपये जोड़ा हुआ है। तो लोएस्ट इस वजह से हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं ताकि कोई कस्टमर ये ना कहे कि इतने की तो पड़ नहीं रही है, आपने तो हमको ज़्यादा बताया, इसलिए हम लोग कम से कम लेकर के चलते हैं, ठीक है सर। तो आप देखिए, ये 2000 लीटर का आरओ प्लांट है, ये एक पाउच पैकिंग मशीन, ये दूसरी पाउच पैकिंग मशीन, ये हम लोग प्लास्टिक का टैंक लगाते हैं, प्योर वाटर को स्टोर करके इन दोनों पाउच मशीन में ये हमारा सप्लाई करता है पानी, ठीक है। तो अब इसके पावर कंजप्शन की बात कर लेते हैं, तो इसका पावर कंजप्शन जो होता है 4 किलोवाट ले लेता है, इंक्लूडिंग समरसेबल की अगर हम बात करें तो एक मशीन हमारी 5 किलोवाट लोड ले लेती है, और दो मशीनों की बात करें तो दो मशीनें हमारी मिला करके ये सब टोटल 6 किलोवाट के लोड पे चल रही हैं, जो कि आप लाइव वीडियो में देख रहे हैं। ये फैक्ट्री बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत साफ़ सुथरी है, इसी वजह से मैंने इसका आपके लिए वीडियो बनाया है। प्राइसिंग की बात करें, दो मशीनों का अगर आप सेट लगवाते हैं तो 5,60,000 रुपये, सिंगल मशीन का सेट लगवाते हैं तो 3,00,000 रुपये। सस्ते में लेना चाहते हैं तो 2,80,000 में ही हम आपको मशीन दे देंगे, और सस्ते में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है सर, क्योंकि मशीनरी की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, क्वालिटी ख़राब कर दी तो बिज़नेस डूब जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी, जिसमें आपको मैंने बता दिया मशीन का पावर कंजप्शन, मशीन का प्रॉफिट भी बता दिया है, और आपको मैं बताऊँ इसके लिए कितना एरिया चाहिए। तो ये जिस एरिया में प्लांट लगाइए, 500 स्क्वायर फीट का पूरा हॉल बना हुआ है, 500 स्क्वायर फीट में हॉल बना करके आप ये मान लें कि 500-600 बोरी भी अपनी स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक दिन का, और आपकी मशीनें भी लग जाएंगी और प्रॉपर वर्किंग के लिए स्पेस रहता है। अब इसके आगे की मैं बात करूं लाइसेंसिंग के लिए, तो लाइसेंसिंग के लिए इसमें आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ISI करवाना है तो ये प्लांट आपका स्टील हो जाएगा और ये फ्लोर पे आपकी टाइल्स लग जाएंगी और आपको PIS के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ISI में आपका लंबा प्रोसेस है, उसमें आपको लेबोरेटरी लाइसेंस वगैरह मिला के 6-7 लाख रुपये खर्च होता है। इसका लाइसेंस जो होता है वो फूड लाइसेंस बन जाता है, वाटर मैन्युफैक्चरिंग का आप कर सकते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में 70-80,000 रुपये का खर्चा आता है, तो डिपेंड करता है कहाँ का कितना चार्ज है, स्टेट वाइज ये वेरी हो जाता है। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझा दी, इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, मशीन का स्पेस बता दिया, मशीन का प्राइस बता दिया। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में सिंगल पाउच पैकिंग मशीन 1000 लीटर का आरओ प्लांट लगा के 2,80,000 से अपना स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सप्लाई बढ़ने पर मशीनें बढ़ा भी सकते हैं, ये तो बात का भी मॉडिफिकेशन है। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने डिटेल में समझाया है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक मशीन चला करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ ये मशीन काम कैसे करती है।
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस इसका दिखाया और समझाया, अगर समझाने में कहीं कमी लगी हो, अगर आपको कहीं मेरी बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वीडियो में पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, कंपनी का मेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। अगर कॉल नहीं उठता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कॉल वॉल्यूम्स कभी कभी ज़्यादा होती है, कॉल नहीं उठ पाती है, तो नाराज़ ना हो। आप व्हाट्सएप पर हमें अपना नाम पता लिख करके डाल दें, हमें आपको जैसे ही मैसेज मिलेगा हम आपको तुरंत मशीन का कोटेशन, वीडियो स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी चाहे तो आप कमेंट कर करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।